हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में बात करेंगे टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी हम कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो आज का ये लेक्चर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं जितने भी कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, हम देखते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से क्यूब के बारे में हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो कंटेंट मैं आज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप देखेंगे कि उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कंपटीशन में। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो आप मेरा यूज कर सकते हैं ये व्हाट्सएप नंबर। दूसरा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ कमेंट लिखा हुआ है, उस कमेंट को आप जरूर पढ़ें। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में। तो देखें, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए जो हम टेस्ट स्पेसिमेन तैयार कर रहे हैं, यानी हम जो इसका टेस्ट प्रोसीजर पढ़ेंगे, तो उसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि टेस्ट जो स्पेसिमेन हम तैयार कर रहे हैं कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए, उसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देखनी चाहिए। तो देखें जरा, यहां पर आप देखें, यहां पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेस्ट स्पेसिमेन के बारे में, यानी कंक्रीट का जो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे तो हम उसके लिए कुछ स्पेसिमेन तैयार करेंगे। तो देखें, स्पेसिमेन हमारे कितने कम से कम होने चाहिए, यानी जो आप कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे तो उसके उसमें आपके पास कम से कम कितने स्पेसिमेन होने चाहिए। हर बैच से कम मिनिमम 3 स्पेसिमेन आपके पास होने चाहिए। सबसे मोस्ट और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये हुआ। तो देखें जरा, सबसे पहला हमारा हमने किस पॉइंट पर बात की कि कंक्रीट के जो आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने वाले हैं, उसमें आप कम से कम पर बैच से, यानी जो भी आपका प्रत्येक बैच है, हर बैच से, यानी हमेशा जो हमारा प्रत्येक बैच है, उससे आप कितने टेस्ट स्पेसिमेन रेडी करेंगे, कम से कम 3 स्पेसिमेन होने चाहिए। दूसरा, जब हम कंक्रीट का टेस्ट स्पेसिमेन तैयार करते हैं या कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम यानी जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो करते हैं हम 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कि कितनी ह्यूमिडिटी पर, यानी कितनी आर्द्रता पर ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, तो हम करते हैं इस पर 90% ह्यूमिडिटी पर ये क्या करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो 3 हमारे इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी पॉइंट्स आपको देखने को मिले कि सबसे पहला कि अगर आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं कंक्रीट का, तो आपके पास कितने कम से कम प्रत्येक बैच से, यानी हर बैच से कितने स्पेसिमेन होने चाहिए। 3 स्पेसिमेन हमें मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कितने टेम्परेचर पर हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, यानी आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, वो हम 90% ह्यूमिडिटी पर इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं। अब देखिए, जब इस टेस्ट को हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो हमें बोला गया है, जो हमारे कितने हम टाइप के हम क्यूब बना सकते हैं, कितने टाइप के हम स्पेसिमेन बना सकते हैं, तो सबसे पहला है हमारा, आप देख रहे हैं मैंने ब्लैक कलर में एक मैंने क्यूब बनाया हुआ है। तो इस क्यूब का साइज, यानी हम बना सकते हैं 15 सेंटीमीटर का क्यूब। आपको इस लेक्चर को बिना स्किप करे देखना है, आप पाएंगे जो मैं कंटेंट आज प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें से आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। आगे देखें तो हमारा जो क्यूब का साइज है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर का हम क्यूब रेडी करते हैं कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए। तो देखें जरा, यहाँ पर हमने कितना साइज लिया कंक्रीट का इस क्यूब का, यानी जो ब्लैक कलर में मैंने यहाँ पर क्यूब बनाया हुआ है, इसका साइज हमने लिया हुआ है 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूब साइज यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 15 मल्टीप्लाई बाई 15 सेंटीमीटर क्यूब। यानी हम क्या कर रहे हैं, 15 साइड का सेंटीमीटर क्यूब जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, यानी ऐसा क्यूब रेडी कर रहे हैं जिसकी साइड हमारी कितनी है, 15 सेंटीमीटर हमें देखने को मिल रही है। आपसे पूछ सकता है कि इसका सरफेस एरिया हमारा कितना होगा, यानी जो आप जिस क्यूब का आप टेस्ट कर रहे हैं उसका सरफेस एरिया, यानी उसके एक सरफेस का एरिया हमारा कितना होगा। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 15, तो आपको कितना एरिया देखने को मिल जाएगा, यानी अगर आप इस सरफेस का, यानी किसी भी सरफेस का एरिया अगर आप देखें, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 15 हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस क्यूब का जो हम यहां पर मैंने ब्लैक कलर से जो क्यूब दिखा रखा है, वो हमारा क्यूब हम कितना बना सकते हैं, यानी हम जो स्पेसिमेन बना सकते हैं वो हम क्यूब की फॉर्म में बना सकते हैं, जो कि 15 सेंटीमीटर का होगा। इसके एक और क्यूब बना सकते हैं और हम एक सिलेंड्रिकल शेप का भी क्यूब बना सकते हैं। तो इसके बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो देखें, क्यूब साइज की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले 15 सेंटीमीटर क्यूब साइज हो गया, दूसरा सर्फेस एरिया कितना हो गया इसका हमारा, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एग्रीगेट साइज सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जब आप 15 सेंटीमीटर क्यूब बनाएंगे तो उसमें आप एग्रीगेट साइज कितना लेंगे मैक्सिमम, तो इसके लिए हम लेते हैं 38
mm का एग्रीगेट हम इसके अंदर यूज करते हैं, यानी जो हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है वो हमारा कितना है, वो होता है इसमें 38 mm का हम इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए एग्रीगेट साइज यूज करते हैं। तो ये हो गए तीन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसके बारे में, 15 सेंटीमीटर के क्यूब के बारे में। अब बात करें और कौन सा क्यूब बना सकते हैं, तो आप जो देख रहे हैं ब्लू कलर का क्यूब, इसमें आप देखें ये हमारा 10 सेंटीमीटर का क्यूब है। इसका साइज क्या है, यानी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए 10 सेंटीमीटर का भी क्यूब क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखें जरा ये हमारा क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूब का साइज अब आप आराम से लिख लेंगे कितना हो जाएगा, 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर क्यूब आपको साइज देखने को मिल जाएगा। सरफेस एरिया की बात करें, यानी इसके एक सरफेस का एरिया आपका कितना हो जाएगा, यानी सरफेस का एरिया टोटल 10 × 10 तो कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात करें कि इसमें एग्रीगेट का साइज कितना यूज करते हैं हम, तो देखिए इसके लिए हमें जो एग्रीगेट साइज यूज करते हैं वो हम करते हैं 19 mm। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एग्रीगेट साइज भी आपको याद रखने हैं, इनके साइज के साथ साथ हमें एग्रीगेट साइज भी याद रखने हैं कि इस क्यूब के लिए हमारा एग्रीगेट साइज कितना होना चाहिए। तो जब आप 10 सेंटीमीटर क्यूब पर परफॉर्म कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कंक्रीट का, तो उस केस में हम जो एग्रीगेट साइज लेते हैं वो 19 mm हम टेक करते हैं। अब बात करें कि अगर हम क्यूब ना लेकर, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए अगर हम क्यूब ना लेकर अगर सिलेंड्रिकल लेना चाहें, यानी सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन बनाएं हम टेस्ट स्पेसिमेन, तब उस केस में इस सिलेंड्रिकल जो स्पेसिमेन हम बना रहे हैं उसका डाया कितना होना चाहिए। तो देखें इसका डाया हम लेते हैं 150 mm, हमारा क्या होना चाहिए, इसका डाया होना चाहिए। तो यहां पर हमने लिखा हुआ है कि सिलेंडर जो हम यूज कर रहे हैं उसका डाया हम कितना लेंगे, तो डाया हम लेते हैं यहां पर 150 mm। तो देखें दूसरा इसकी हाइट कितनी लेते हैं, तो इसकी हाइट हम लेते हैं 300 mm। तो देखें ये हमने कितना लिया, 300 mm इसकी हाइट हमने ले ली यहां पर 300 mm। आगे इसमें एग्रीगेट का साइज कितना यूज करते हैं, इसके लिए हम एग्रीगेट साइज हम कितना यूज करते हैं, 38 mm ही हम इसके लिए एग्रीगेट साइज यूज करते हैं। अब आपके आपसे क्या पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है कि जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस केस में सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन का डाया अपॉन हाइट रेशियो हमारा कितना होगा। तो आप जब डाया अपॉन हाइट रेशियो करेंगे तो इससे आप डिवाइड कर देंगे तो 1/2 आपको देखने को मिलेगा। तो देखें जरा डाया अपॉन हाइट रेशियो जब पूछेगा तो उसका आंसर क्या होगा, 1:2 हमें डाया अपॉन हाइट रेशियो देखने को मिलेगा। अब देखें यहां पर, यानी हमने बात की इसमें क्या क्या कि जब हम कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें ये स्पेसिमेन तैयार करने हैं, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन हो गई कि हमें ये तैयार करना है और इसी पर हमें क्या करना है, कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें परफॉर्म करना है। और हमारे पास क्या क्या टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन कितने होने चाहिए, एग्रीगेट साइज कितना होना चाहिए, क्यूब के साइज, तो तमाम हमने इंपॉर्टेंट बातों के बारे में यहां पर डिस्कस किया। अब देखें इसके अलावा और हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, यानी इस टाइप का पूरा प्रोसीजर क्या है हमारा, वो हम सीखेंगे। अब देखें हमें टेस्ट परफॉर्म करना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेस्ट, और उस टेस्ट को परफॉर्म जो हम करेंगे तो हमें ये क्यूब रेडी करने पड़ सकते हैं। ये जो जिस स्पेसिमेन पर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहते हैं हम उसको रेडी करेंगे। तो अगर हम 15 सेंटीमीटर क्यूब का अगर हम टेस्ट स्पेसिमेन रेडी करना चाहते हैं या बाकी और कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रोसीजर क्या है उसको हम समझते हैं। तो अब देखें यहां पर अगर हम बात करें और आगे की, तो आगे हम बात करेंगे कंक्रीट का स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट ऑफ कंक्रीट, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो टेस्ट हम करते हैं वो कोड कौन सा है जिसमें हमें इसके स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, यानी कि कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के हमें कुछ विशिष्टियां कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं, वो हमारा कोड हमारा कौन सा है। तो आपको याद रखना है कोड IS 516 में हमें क्या करता है, 516 हमें रिकमेंड करता है कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के कुछ स्पेसिफिकेशन हमें रिकमेंडेशन देखने को मिलते हैं कोड के। तो देखें तो इस कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग अब हम बात करेंगे इसके प्रोसीजर पर, यानी अगर हम किसी भी इसमें से क्यूब पर अगर हम टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा। तो देखें प्रोसीजर में ही हम और आगे इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बातों पर हम डिस्कस करेंगे। आगे देखें आप टेस्ट प्रोसीजर के बारे में अगर आप बात करें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है कोई भी आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे सबसे पहले आपके पास होना चाहिए मटेरियल। तो हम क्या करेंगे कलेक्ट मटेरियल,
अब हम जब कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे तो हम एक पर्टिकुलर किसी ग्रेड पर करते हैं, जैसे लाइक M20, M25, M15, तो कोई भी हमारे पास एक ग्रेड होगा, तो जिस ग्रेड पर हम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कलेक्ट मटेरियल H पर प्रोपोर्शन, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी हमारे ग्रेड होते हैं जैसे कि M15, M20 और M30, तो हमारे क्या है, सभी ग्रेड के कुछ अलग प्रोपोर्शन हमें देखने को मिलते हैं, तो जो प्रोपोर्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मटेरियल को इकट्ठा करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कलेक्ट मटेरियल एज पर प्रोपोर्शन, एज पर प्रोपोर्शन, यानी आप क्या करेंगे, मटेरियल को इकट्ठा कर लेंगे एज पर प्रोपोर्शन। अब मटेरियल कौन कौन सा, तो मटेरियल की अगर हम बात करें तो बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम सीमेंट लेते हैं, दूसरा फाइन एग्रीगेट के लिए हम सैंड लेते हैं, तीसरा कोर्स एग्रीगेट के लिए हम स्टोन बैलास्ट लेते हैं। तो अब हम जब कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो इन तीनों मटेरियल को हम क्या करेंगे, एज पर प्रोपोर्शन आप ले लेंगे। अब बात करेंगे मिक्सिंग की, तो मिक्सिंग हम किस तरीके से करते हैं, तो देखिए हमें क्या करना है, मिक्स प्रॉपरली करना है। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, जब आप मिक्स करेंगे तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, फर्स्ट सीमेंट एंड सैंड मिक्स, यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीमेंट और सैंड को मिक्स करेंगे, कब तक, अनटिल यूनिफॉर्म कलर, यूनिफॉर्म कलर, यानी जब तक हमें यूनिफॉर्म कलर देखने को नहीं मिल जाएगा, एंड देन कोर्स एग्रीगेट ऐड, एंड देन कोर्स एग्रीगेट ऐड एंड मिक्स। इस बात का मतलब क्या है, देखें जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे तो हमने क्या किया, सबसे पहले मटेरियल ले लिया और मटेरियल को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर, मटेरियल हमने प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ले लिया, अब उस मटेरियल को मिक्स करना है। लेकिन मिक्स करने का हमारा तरीका क्या है, सबसे पहले यानी कि फर्स्टली हम क्या करेंगे, सीमेंट एंड सैंड मिक्स करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीमेंट और सैंड मिक्स करना है, कब तक, जब तक हमें एक यूनिफॉर्म कलर देखने को नहीं मिलता तब तक हम क्या करेंगे, उसको मिक्स करते रहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप उसमें क्या कर देंगे, कोर्स एग्रीगेट यानी कि स्टोन बैलास्ट आप उसके अंदर ऐड कर देंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे होमोजीनियसली, आप उसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको कंक्रीट मिल जाएगी, यानी वाटर ऐड करने के बाद जब उसको आप पूरा तरह से मिक्स कर लेंगे, आफ्टर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, कंक्रीट हमारे पास रेडी हो जाएगी। अब उस कंक्रीट क्या करेंगे, फिल कंक्रीट इन मोल्ड्स। अब हम क्या करेंगे, इस कंक्रीट को हम इन मोल्ड में यहां पर हम फिक्स कर देंगे। यानी अब किस तरीके से फिक्स करेंगे, आप सपोज करो कि हम फिक्स कर रहे हैं किसमें, हम फिक्स कर रहे हैं 15 सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी थ्री लेयर्स में आप डिवाइड करेंगे, इसको थ्री लेयर्स में आप डिवाइड कर देंगे, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2 एंड लेयर नंबर 3। यानी आप क्या करेंगे, इसमें जो हमने कंक्रीट रेडी की है, उस कंक्रीट को रेडी जो हमने किया है, उस कंक्रीट को फिल कंक्रीट इन मोल्ड्स, आप मोल्ड में कंक्रीट को फिलअप करेंगे और पर लेयर को फिलअप करने के बाद में उसका हम कॉम्पैक्शन करते हुए चले जाएंगे और उस तरह से हम पूरा मोल्ड हम क्या कर देंगे, ऊपर तक फिल कर लेंगे। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, कॉम्पैक्ट द कंक्रीट इन मोल्ड। अब उसके बाद क्या करेंगे, कंक्रीट को आप कॉम्पैक्ट करेंगे। अब कॉम्पैक्शन कैसे देंगे उसको हम समझते हैं। तो देखिए कॉम्पैक्शन में आता है हमारा एपरेटस, कौन सा एपरेटस यूज करेंगे, तो हम यूज करते हैं टैंपिंग रॉड। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टैंपिंग रॉड। तो आप टैंपिंग रॉड हम जो यूज कर रहे हैं किसके लिए, यूज फॉर कॉम्पैक्शन, यूज फॉर कॉम्पैक्शन। तो देखें जरा यहां पर, यूज फॉर कॉम्पैक्शन। अब देखें टैंपिंग रॉड किसके लिए यूज हो रही है, हमारी कॉम्पैक्शन के लिए, बट हम यूज कर सकते हैं, वाइब्रेटर भी यूज कर सकते हैं, निडल वाइब्रेटर यूज कर सकते हैं। लेकिन देखें अगर हम टैंपिंग रॉड यूज करें तो उसका साइज क्या होता है, टैंपिंग रॉड अगर आप देखें तो इस तरीके की हमारी एक रॉड है और इस रॉड का हमारा जो डाया है वो कितना है, डाया इक्वल टू 16 mm, हमें डाया देखने को मिलता है टैंपिंग रॉड का। दूसरा इसकी जो हमारी लेंथ होती है वो हमारी कितनी देखने को मिलती है, 60 cm हमें इसकी लेंथ देखने को मिलती है। तो इस टैंपिंग रॉड से हम क्या करेंगे, पर लेयर को हम क्या कर देते हैं, कॉम्पैक्ट करेंगे इस टैंपिंग रॉड से। अब आगे देखें, कॉम्पैक्ट द कॉन्क्रीट इन मोल्ड, हमने कॉन्क्रीट मोल्ड में कंक्रीट को कॉम्पैक्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे,
टेस्ट स्पेसिमेन आर स्टोर्ड एट, यानी अब हम क्या करेंगे, देखें सबसे पहले मेटेरियल कलेक्ट किया, मेटेरियल कलेक्ट करने के बाद उसको हमने मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद मोल्ड में हमने फिलअप कर दिया, और मोल्ड में फिलअप करने के बाद अब जो हमारे पास मोल्ड रेडी हो गए हैं उन मोल्ड को हम क्या करेंगे, मोल्ड को हम स्टोर करेंगे, मोल्ड को यानी रखेंगे कितने टेम्परेचर पर, एट ए टेम्परेचर 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इम्पॉर्टेंट दूसरा जो मैंने आपको यहां बता चुका हूं, दूसरा एंड कॉमा ह्यूमिडिटी कितनी पर, हम ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी कितना 90% पर हम क्या करते हैं टेस्ट को स्टोर करते हैं, कितने टाइम के लिए, फॉर 24 प्लस माइनस हाफ आवर फ्रॉम वाटर मिक्स इन एग्रीगेट। अब देखें जरा यहां से ध्यान समझेंगे कि जब हमने कंक्रीट का स्पेसिमेन तैयार कर लिया, जब हमने मोल्ड में कंक्रीट को भर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस टेस्ट स्पेसिमेन को जो भी हमने रेडी किया है उस टेस्ट स्पेसिमेन को हम, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ह्यूमिडिटी 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और कितने टाइम के लिए, फॉर 24 प्लस माइनस हाफ आवर पर हम क्या करेंगे, इतने आवर तक के लिए, यानी कि हम क्या कर देंगे उसको स्टोर करके रखेंगे, कब से काउंट करेंगे टाइम, जब से हमने फ्रॉम वाटर मिक्स इन कॉग्रीगेट, सॉरी वाटर मिक्स इन एग्रीगेट, यानी जब हमसे हमने पानी एग्रीगेट में मिलाया है तब से लेकर हम 24 प्लस माइनस हाफ एन आवर, यानी 24 प्लस माइनस हाफ एन आवर तब उसको हम क्या करेंगे स्टोर करके रखेंगे। अब स्टोर करके रखने के बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद देखें, आफ्टर दिस रिमूव द स्पेसिमेन फ्रॉम मोल्ड एंड प्लेस इन वाटर। अब आप क्या करेंगे, देखें हमने उस मोल्ड में कंक्रीट भर दी है, और कंक्रीट भरने के बाद में उसको हमने 24 घंटे के लिए हमने क्या कर दिया, उसको स्टोर कर दिया है, उसके बाद उसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ डेवलप हो गई होगी। अब आप क्या करेंगे, उसको आप जो मोल्ड है उस मोल्ड से आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब जो मोल्ड से आप रिमूव कर देंगे उसके बाद आप क्या करना है, उसको प्लेस इन वाटर, आफ्टर दिस रिमूव द स्पेसिमेन फ्रॉम मोल्ड, यानी कि जो मोल्ड आपने बनाया है जिसमें आपने स्पेसिमेन को रखा हुआ है उस मोल्ड से आप क्या कर देंगे स्पेसिमेन को हटा देंगे और उसे क्या कर देंगे प्लेस इन वाटर, उसे पानी में रख देंगे। अब देखें जब आप उसे पानी में रखेंगे एंड देन टेकन आउट जस्ट बिफोर टेस्ट, और उसके बाद हम निकालेंगे कब, तो पानी में रख दिया हमने, तो पानी में जब हम रख देंगे तो उसके बाद हम कब निकालते हैं, टेस्ट करने से पहले। टेस्ट करने से पहले का मतलब क्या है, सीटीएम मशीन पर कंप्रेशन लोड देने से पहले उसे हम निकालेंगे और उसे हम अच्छी तरह से पोंछ लेते हैं पहले। तो यहां पर हम लिखेंगे एंड देन टेकन आउट जस्ट बिफोर टेस्ट। अब हम कितना टाइम लेते हैं, तो टाइम कितना लेते हैं, 7 days एंड 28 days हम इसकी एज लेते हैं टेस्ट की, यानी हम क्या करेंगे उनको 7 days के बाद हम क्या करेंगे जस्ट बिफोर टेस्ट, यानी कितने समय बाद हम निकालेंगे, 7 days पर टेस्ट परफॉर्म करेंगे और 28 days पर हम परफॉर्म करेंगे, तो उसके पहले हम क्या करेंगे टेस्ट जो मोल्ड है उनको वाटर से निकाल लेंगे और उनको अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। अब हम उस मोल्ड को क्या करेंगे सीटीएम मशीन पर ले जाएंगे, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन पर ले जाएंगे। तो अब बारी आती है सीटीएम की, तो देखें जरा सीटीएम के बारे में अगर हम बात करें, सीटीएम का मतलब क्या है यहां पर हमारा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन पर हम क्या करेंगे, हम उसे ले जाएंगे। तो ये कैसी होनी चाहिए, टू एबल टू अप्लाई, या फिर लिखो एबल टू अप्लाई लोड ऑफ 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट ग्रेजुअली, यानी हमें देखें जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन है वो कैसी होनी चाहिए, वो 14 न्यूटन पर एम स्क्वायर पर मिनट की दर से ग्रेजुअली लोड अप्लाई करने की एबिलिटी होनी चाहिए उसके पास। तो उस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन पर हम क्या करेंगे, क्यूब को ले जाएंगे और उसके बाद हम उस पर क्या कर देंगे, लोड अप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है देन स्पेसिमेन, यानी द स्पेसिमेन प्लेस बिटवीन द प्लेटन्स ऑफ सीटीएम, यानी जो हमारी प्लेटन्स हैं सीटीएम की उनके बीच में हम क्या कर देंगे, स्पेसिमेन को हम प्लेस कर देंगे और उसके बाद हम लोड देंगे। और जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या फार्मूला लगाएंगे, मैक्सिमम लोड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ मोल्ड। इस तरीके से आप क्या करेंगे, उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को आप फाइंड कर लेंगे। मैक्सिमम लोड हम जो सीटीएम में फाइंड देख लेंगे कितना मैक्सिमम लोड प्रोवाइड किया है, और सरफेस एरिया हमने यहाँ पर पहले ही लिख दिया कि सरफेस एरिया जिस पर भी हम अप्लाई कर रहे हैं उसका सरफेस एरिया कितना है वो हम देख लेंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड कर पाएंगे। अभी हमें और भी कंटेंट पढ़ने जो कि हमारे इंपॉर्टेंट होंगे। अब बात करेंगे कुछ हम कोड की और कुछ हम बात करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखें, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बारे में बात करें, यानी IS 516 में कुछ हमारे कोड अगर प्रोविजंस हैं स्ट्रेस से रिलेटेड तो वो हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको पहले मैं समझा देता हूँ आपको। देखें, सबसे पहले जो हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया है, यानी जो भी हमने क्यूब यूज किया है, जो तीन क्यूब हमने यूज किए हैं, यानी तीन टेस्ट स्पेसिमेन जो हमने यूज किए हैं, उन टेस्ट स्पेसिमेन की जो हमारी एवरेज स्ट्रेंथ होती है, उन तीनों स्पेसिमेन की जो हमारी एवरेज स्ट्रेंथ होती है वही हम कंक्रीट की कंप्रेशन स्ट्रेंथ कहते हैं। पॉइंट नंबर वन आपको अच्छे सुन लेना है कि जो हमारे तीनों टेस्ट स्पेसिमेन हैं उन तीनों टेस्ट स्पेसिमेन की जो हमारी एवरेज कंप्रेशन स्ट्रेंथ है वही हमारी क्या है, उसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ कहलाती है कंक्रीट की। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पर क्या लिखेंगे, पहला इंपॉर्टेंट नोट हमारा क्या है, द एवरेज ऑफ द थ्री वैल्यू इज टेकन एज कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट बैच। देखें जरा ध्यान से इसको, मैंने क्या लिखा है, द एवरेज ऑफ थ्री वैल्यूज टेकन, मतलब जो हमने टेस्ट स्पेसिमेन यूज किए हैं तीन टेस्ट स्पेसिमेन उनका जो हमारा एवरेज निकल के आया है वही एवरेज वैल्यू हमारी कंक्रीट बैच की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाती है। दूसरा, अब देखें जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हमने जो तीन स्पेसिमेन यूज किए हैं उनकी जो हमारी उनकी इंडिविजुअल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसमें प्लस माइनस 15% से ज्यादा अधिक वेरिएशन नहीं होना चाहिए एवरेज स्ट्रेंथ का। क्या देखें जरा यहां पर, नेक्स्ट नोट नंबर इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, इंडिविजुअल वेरिएशन ऑफ क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज नॉट मोर देन प्लस माइनस 15% ऑफ द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंप्लीशन, इंपॉर्टेंट देखें जरा ध्यान से, जो हमने कंप्रेशन के लिए जो हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए जो हमने क्यूब यूज किया है उन क्यूबों की जो हमारी एवरेज स्ट्रेंथ है, तो एवरेज स्ट्रेंथ जितनी भी हमारी है जो कि हमने बोला है कि हमारी कंक्रीट क्यूब की हमारी जो कंक्रीट बैच की वो एक्चुअल स्ट्रेंथ होगी, यानी जो एवरेज स्ट्रेंथ है तीनों क्यूब की वही हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट बैच की। अब देखें जो हमने तीन स्पेसिमेन यूज किए हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में इंडिविजुअली
कितना वेरिएशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 15% इंडिविजुअल वेरिएशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखें जरा यहां पर, इंडिविजुअल वेरिएशन ऑफ क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज नॉट मोर देन 15% ऑफ एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी जो हमारी एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका 15% से अधिक वेरिएशन नहीं होना चाहिए इंडिविजुअली। यानी कि हर एक में अगर अलग अलग कंपैरिजन करें तो उसमें सभी में आपस में, जैसे सपोज करो किसी की 100 आई है न्यूटन पर एम स्क्वायर, सपोज करो किसी की 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर आई है, तो उसका 15% से ज़्यादा दूसरे में अधिक वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो जो भी हमारी एवरेज स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, उससे 15% से अधिक इंडिविजुअली वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, ये तो हमारे कुछ दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई कोड की। अब देखा जरा यहाँ पर, हम जानते हैं कि कंक्रीट किसमें ज्यादा, टेंसर स्ट्रेंथ एंड बेंडिंग स्ट्रेंथ टेंसाइल। यहां पर एक पॉइंट और आप याद रख लें, देखिए कंक्रीट की हमारी स्ट्रेंथों की अगर हम बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसर स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ और हमारी बेंडिंग स्ट्रेंथ और हमारी कौन सी सीयर स्ट्रेंथ। तो अगर हम बात करें टेंसाइल एंड बेंडिंग स्ट्रेंथ की, बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, टेंसाइल एंड बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, तो कितनी होती है हमारी, देखें ये हमारी होती है 10-15% ऑफ कंप्रेशन स्ट्रेंथ। यानी कि हमारी कंप्रेशन स्ट्रेंथ का हम कितना मानते हैं, 10-15% हम मानते हैं। क्या क्या, एक तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड बेंडिंग स्ट्रेंथ हम लगभग लगभग कितनी मानते हैं, 10-15% ऑफ कंप्रेशन स्ट्रेंथ हम लेते हैं, जनरली हमारी इतनी होती है। दूसरा अगर हम बात करें शेयर स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, यानी कॉन्क्रीट की हमारी शेयर स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो देखें ये हम मानते हैं अप्रोक्स 20% ऑफ यूनिएक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेंथ। यानी हमारी जो यूनिएक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेंथ है उसका लगभग 20% हम लेते हैं शेयर स्ट्रेंथ। और हम जानते हैं कि कॉन्क्रीट की कंप्रेशन स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ये हमारे कुछ आज की कंप्रेशन स्ट्रेंथ की हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। मैंने आपको एक बात कमेंट बोला है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ कमेंट लिखा हुआ है, उसे आप ज़रूर पढ़ें। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। आगे आने वाले टाइम में हम कुछ अच्छा करने के, आपके पक्ष में जो भी अच्छा होगा मटेरियल उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब देखें इसके बाद वाले जो लेक्चर होगा उसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अब मैं कंपैरिजन करूँगा इनकी स्ट्रेंथ में, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।